Hello students, hope you are well at your home. Today we are going to start maths of class 2nd and lesson number 6. And the topic name is footprints. In this chapter, we will learn about animals, footprints and tracing the object. So children, listen and understand carefully. The chapter 6 is footprints. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ फुटप्रिंट्स वुड बी. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फुटप्रिंट्स होता क्या है. अ मार्क दैट इज़ लेफ्ट ऑन द ग्राउंड बाय अ फुट और अ शू. ऐसा मार्क जब किसी फुट या शू से ग्राउंड पे लगता है, मींस कि ज़मीन पर जब पैर या जूते का निशान बनता है तो उसको फुटप्रिंट कहते हैं. किसी भी प्रकार के जैसे मार्क्स जो होते हैं वो किसी भी मैन का होता है या एनिमल्स का होता है, उनके पैरों की या हाथों की, कहीं पे भी जैसे लैंड पे है, सरफेस पे है, वो बन जाता है, तो उनको पैरों के निशान या फुटप्रिंट्स कहते हैं. आपके पास इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के उनके फुटप्रिंट्स को जानना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच दीज एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट्स. आपके पास टू कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम में आपके पास एनिमल्स गिवन हैं और सेकंड कॉलम में इनके फुटप्रिंट्स. तो आपने इन एनिमल्स को उनके फुटप्रिंट से मैच करना है. फर्स्ट आपके पास है टाइगर. टाइगर का जो फुटप्रिंट है आपने उसको मैच करना. अब आपने देखना है इन फुटप्रिंट से टाइगर का फुटप्रिंट कौन सा है, तो आपने ये यहाँ से इसको यहाँ मैच करा. सेकेंड है आपके पास कैट. अब आपने देखना है कैट का जो फुटप्रिंट है वो सेकेंड कॉलम में कहाँ है, तो आपने देखना है इसमें ये है इसका कैट का फुटप्रिंट. थर्ड है आपके पास हैन. हैन का फुटप्रिंट आपने देखना है, इसमें पूरा चेक करना अपने कॉलम में, फिर देखना है. तो जो ये लास्ट वाला है ये हैन का फुटप्रिंट है. नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉग. अब फ्रॉग का देखना है आपने, तो फ्रॉग का क्या है, फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला है ये इसका फुटप्रिंट है. नेक्स्ट है रैबिट. अब रैबिट का आपने देखना है, तो ये रैबिट का फुटप्रिंट है. नेक्स्ट है एलिफेंट. अब एलिफेंट का आपने देखना है, तो लास्ट क्या बचाएगी, तो ये जो फुटप्रिंट है वो एलिफेंट का है. इस तरीके से आपके पास कुछ एनिमल्स दिए होंगे, उनके फुटप्रिंट्स को आपने उनसे मैच करवाना है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज मैच द ट्रेसिंग विद दिस ऑब्जेक्ट. आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट हैं, इनका ट्रेसिंग है, इनको आपने उनसे मैच करवाना है. जैसे ये आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे बॉल है, हॉकी है, स्केल है, हैंड है, लीप है, तो इनको ये ट्रेस करके बनाया गया है. जैसे आपके पास है हैंड, हैंड किसका ट्रेसिंग है आपने यहाँ पे देखना है, तो आपने इसको यहाँ से मैच करना है. सेकंड है लीप. ये जो ट्रेस किया गया है किसका ट्रेसिंग है, ये लीप का है, ये है यहाँ लीप का. सेकंड है ये किसका ट्रेसिंग है, ये है बाउल का. नेक्स्ट इज ये देखिए किसका ट्रेसिंग है. ट्रेसिंग समझते हैं ना आप, उसका मार्क्स, उसका जो एक छाप होती है. जैसे अब ये है स्केल के जैसा है इसका, तो ये क्या है, स्केल का ट्रेसिंग है. नेक्स्ट इज ये हॉकी जैसा है, मींस ये हॉकी का ट्रेसिंग है. ओके, इस तरीके से आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे, उनके आपने ट्रेसिंग से मैच करवाना है. आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड. Today's your homework is to practice this chapter as much as you have been taught. For the topic, we will read in the next video. Thank you and have a nice day.